अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टुडेज़ मेन्यू। तो गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है अबाउट बुर्ज खलीफा एंड द फाउंटेन शो, जो कि बुर्ज खलीफा के बिल्कुल सामने होता है। ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल बात है कि कोई बंदा जो है वो दुबई आए और दुबई मॉल ना आए और बुर्ज खलीफा ना देखे या यहाँ का फेमस फाउंटेन शो ना देखे। तो दिस इज़ लिटरली इम्पॉसिबल। तो हम भी यहाँ पर आज आ गए हैं। ये एंट्रेंस एरिया है दुबई मॉल के अंदर जाने के लिए और बिल्कुल मॉल के साइड में आपको टॉलेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, बुर्ज खलीफा आपको नज़र आएगा। नाजरीन, ये देखने में ना बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसके ऊपर ब्यूटीफुल लाइट्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठने की भी जगह है और दरख्तों के ऊपर खूबसूरत जो है वो लाइटिंग की गई है। और अगर आप मुझसे पूछें कि ये यहाँ पर बैठ के किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये सब लोग वेट कर रहे हैं अबाउट फाउंटेन शो। हर शाम 7 बजे जो है यहाँ पर फाउंटेन शो होता है, जिसके म्यूज़िक जो है वो अक्सर चेंज होता है और यहाँ पर जो है लोग खड़े हुए इसका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भी उन लोगों में से हूँ। सामने आपको बहुत डिफरेंट एंड बड़े किस्म के रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे और दूसरी बिल्डिंग्स भी। आपको लगेगा कि जैसे आप न्यूयॉर्क में आए हुए हैं, बट नहीं, ये न्यूयॉर्क नहीं है, ये तो दुबई है। तो गाइज़, अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कुछ मिस कर दिया। आफ्टर एवरी 15 मिनट्स ये शो दोबारा होता है, जब तक कि रात को मॉल बंद होने का टाइम नहीं हो जाता। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वन शो इज़ मिस्ड तो आप 15 मिनट्स बाद दूसरा देख सकते हैं। तो लीजिए गाइस, हमारा फर्स्ट फाउंटेन शो जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हम जो है वापसी के सफ़र की तैयारी करेंगे और अब हम वापस की तरफ जा रहे हैं। आप देख लें, यहाँ पर आपको अगेन काफ़ी टूरिस्ट नज़र आएंगे। आइसक्रीम के स्टॉल्स, अगर किसी को कोकोनट वाटर पीना है उसके स्टॉल्स भी हैं। साथ साथ आपको जो है ज़बरदस्त किस्म के रेस्टोरेंट्स भी नज़र आएंगे। अगर आपको बहुत भूख लग रही है, आप यहाँ से खाना खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं। और हाँ गाइस, जो मशहूर टर्किश शेफ़ है ब्राक, उसका जो रेस्टोरेंट है वो भी यहीं पे मौजूद है। आप ये देखिए बुर्ज खलीफा पर एक दफ़ा फिर कलर स्कीमिंग चेंज हो गई है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दिस इज़ इन रिज़ल्ट ऑफ सम एडवर्टिजमेंट। और आप यहाँ पर जितना भी टाइम स्पेंड करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और मेरी आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है, आप इस जगह पर ज़रूर आइए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ और इसको खूब इंजॉय कीजिए। तो आप मेरी वीडियो देखिए, लाइक किए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।